यात्रा में अब पीएम मोदी की डिग्री का चैप्टर। पीएम मोदी की डिग्री आज केजरीवाल ही नहीं पूरे देश को पाठशाला में दिखाऊंगा। केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री मांग ली तो क्या उन पर 25,000 का जुर्माना लगा, इसका सच बताऊंगा। पीएम मोदी को अनपढ़ बताने पर तुले केजरीवाल का डर क्या है, इसका चैप्टर। अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ अरसे से पीएम मोदी को अनपढ़ बताने में जुटे और लोगों को यह समझा रहे हैं कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए सही नहीं। लेकिन आज खुद अरविंद केजरीवाल की समझदारी पर सवाल उठे, क्योंकि पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगा दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी के 7 साल पुराने आदेश को खारिज कर दिया। सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि आरटीआई के तहत वो पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी अरविंद केजरीवाल को दे, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया और अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। अब केजरीवाल की पार्टी के नेता यह माहौल बना रहे हैं कि पीएम की डिग्री के बारे में पूछ लिया तो जुर्माना लगा दिया गया। लेकिन यह जुर्माना लगा क्यों, ये आपको अभी मैं बताऊंगा, उसका सच बताऊंगा, पीएम की डिग्री भी दिखाऊंगा। लेकिन एक बार सुन लीजिए कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसे क्या रूप दे रहे हैं। क्या यह देश एक गैर पढ़े लिखे अनपढ़ प्रधानमंत्री के होने का खामियाजा भुगतता रहेगा? कभी आप जीएसटी जैसा फैसला लेते हैं, व्यापारियों को बर्बाद करते हैं, कभी 3 काले कानून का फैसला लेते हैं, किसानों को बर्बाद करते हैं, कभी नोटबंदी का फैसला लेके देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करते हैं, बर्बाद करते हैं, कभी पूरी दुनिया के मंचों पर जाके ऐसी बात करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर होल स्क्वायर कुछ भी बोलते रहते हैं। अब डिग्री पे जुर्माना हो जा रहा है, डिग्री पूछ लो तो, मतलब भारत के प्रधानमंत्री के डिग्री के बारे में देश के 140 करोड़ लोगों को क्यों नहीं पता होना चाहिए? तो ये मतलब जिस मुकदमे में केजरीवाल जी पार्टी भी नहीं है उसमें जुर्माना हो रहा है। एक तो इस देश में न्यायपालिका को कुछ लोग मजाक समझने लगे हैं। न्यायपालिका से फैसला आता है और उसमें ऐसा राजनीति घुसेड़ दी जाती है कि पीएम की डिग्री मांग ली इसलिए गुजरात हाईकोर्ट ने क्या जुर्माना लगा दिया होगा, ये आरोप का क्या मतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट क्या पीएम की डिग्री मांगने पर जुर्माना लगा देती है, सेटिंग गेटिंग चल रहा है। देखिए बॉस, सच मैं आपको बताता हूं, केजरीवाल पर जुर्माना इसलिए नहीं लगा कि उन्होंने पीएम की डिग्री मांग ली, इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उस मामले को खींचा, जानबूझकर ऐसे मामले को कानूनी प्रक्रिया में उलझाया जो कोई मुद्दा ही नहीं था। पीएम मोदी की डिग्री ऐसा ही मामला था जिस पर केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी में आरटीआई लगाई थी। इसी मामले में सीआईसी ने ऑर्डर दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री दिखाई जाए, जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर सीआईसी के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट गई, क्योंकि वो आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आती। अब जब गुजरात हाईकोर्ट से फैसला आया तो सीआईसी के ऑर्डर को खारिज किया गया और केजरीवाल पर भी जुर्माना लगा दिया गया, क्योंकि केजरीवाल भी इस केस में यह जानकारी चाह रहे थे। पार्टी जब किसी कोर्ट को लगता है कि कोई मुद्दा जानबूझकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कानूनी प्रक्रिया में उलझाया गया है तब इस तरह का जुर्माना लगाया जाता है। कोर्ट ने इसलिए नहीं लगा दिया कि आपने डिग्री मांग ली, इसलिए जुर्माना लगा दिया कि आपकी मंशा ठीक नहीं रही होगी। और यही केजरीवाल के साथ हुआ। आप पहले गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में क्या लिखा है वो देख लीजिए, जो पीएम मोदी की डिग्री के मामले में फैसला आया है, उसके बाद डिग्री भी दिखाऊंगा। गुजरात हाईकोर्ट ने फैसले में लिखा है कि यूनिवर्सिटी ने 9 मई 2016 को पीएम मोदी की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। भाई वेबसाइट पर डिग्री पड़ी है तो मांग क्या रहे हैं आप? इससे साबित होता है कि जानकारी छुपाने का कोई इरादा ही नहीं था, इसके बावजूद अपने उद्देश्यों के लिए इस मुद्दे को खींचा। हाईकोर्ट के फैसले में दूसरी बड़ी बात यह लिखी गई है
कि यूनिवर्सिटी सालों से कई लाख छात्रों को कई लाख डिग्रियां दे चुकी है। अगर डिग्री दिखाने के आदेश पर रोक नहीं लगी तो किसी दूसरे की डिग्री की जानकारियां लेने की बाढ़ आ जाएगी। यही काम बचा है क्या देश में यूनिवर्सिटीज का कि आरटीआई आएगी और वो डिग्री देती रहेगी। लेकिन बावजूद इसके कि सवाल उठाए तो 2016 में ऑनलाइन डिग्री पड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। हाईकोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि यहां तक कि इस केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से यह सुनिश्चित कर लिया था और कोर्ट को बता दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है। जो चीज वेबसाइट पर मौजूद है वो अरविंद केजरीवाल को मिल ही नहीं रही है। दिन रात अनपढ़ पीएम कर रहे हैं, डिग्री दिखाइए कर रहे हैं, और डिग्री देखने का इतना शौक है, डिग्री तो दिखाई जा चुकी। 9 मई 2016 को गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री की जानकारियां अपलोड की और अगले ही दिन 2016 में, ये 2016 की तस्वीरें दिखा रहा हूं, अमित शाह और अरुण जेटली ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम की डिग्रियां दिखाई। पूरे देश ने देखा, अरुण जेटली जी अभी इस दुनिया में नहीं है, ये 2016 की तस्वीरें हैं। अमित शाह, अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को, पूरे देश को पीएम की डिग्री दिखा चुके। ये कौन सी डिग्री देखना चाह रहे हैं केजरीवाल भाई, समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए, मेरे पास भी रखी हुई है ये दो डिग्रियां, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां हैं। किसी को भी मिल जाएंगी, जरा सा इंटरनेट तो आता होगा। ये देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात यूनिवर्सिटी दोनों की डिग्री, और इसमें लिखा क्या है, ये देखिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। लिखा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी वी द चांसलर, वाइस चांसलर एंड मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड दैट द विथ साइंड नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैविंग बीन एग्जामिन फॉर द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स एक्सटर्नल एंड एडजस्ट टू हैव पास्ड इन द फर्स्ट क्लास द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, लिखा हुआ है। ये क्या ढूंढ रहे हैं? घर में सामने चश्मा पड़ा है और मोहल्ले में पूछ रहे हैं, मेरा चश्मा देखा क्या, और जबकि दिख रहा है कि चश्मा है। सामने है डिग्री, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ये पूछ रहे हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं पीएम। अच्छा, मई 2016 में अमित शाह और अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम की डिग्री दिखाई। दिसंबर 2016 में ये भाई साहब अरविंद केजरीवाल फिर से पीएम की डिग्री मांग रहे थे। आप सुनिए एक बार 2016 के दिसंबर का अरविंद केजरीवाल जी का बयान। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं। अपने भाषणों में वो कहते रहे हैं कि मैं स्कूल के बाद कॉलेज नहीं गया, लेकिन फिर उन्होंने दिखाया कि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से डिग्री करी थी, लेकिन बाद में निकल के आ रहा है कि उनकी डिग्री फर्जी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर पास किए थे कि वो डिग्रियों से संबंधित जितने भी कागजात और रिकॉर्ड्स हैं वो अरविंद केजरीवाल को दिखाए जाएं। अगर डिग्री सही है तो उनको दिखाने में क्या हर्ज है? अरे भाई, डिग्री और कैसे दिखाई जाती है? अब क्या करें, फ्रेम में मड़वा के भिजवाएं घर पर, क्या करना होगा डिग्री दिखाने के लिए? समझ में नहीं आ रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिख गई, वेबसाइट पे पड़ी, और क्या दिखाना है? 2016 से 2023 आ गया लेकिन केजरीवाल पीएम मोदी की डिग्री पर अटके हुए हैं। और अब जब गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल पर जुर्माना लग गया तो कह रहे हैं कि डिग्री की जानकारी मांगने पर जुर्माना लगा दिया जाता है। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में क्या लिखा है वो आप खुद देखिए। फैसले में यह भी लिखा है कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह सबमिट किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारियां और डिग्री की कॉपी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। पीएम मोदी की डिग्री का डिजिटल वर्जन सोशल मीडिया की कई वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है, कई न्यूज पोर्टल पर भी, और साथ ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आपको भी ये डिग्रियां दिखाई मैंने कि कैसे जब मुझे मिल गई तो केजरीवाल जी को नहीं मिल रही है। नरेंद्र मोदी की डिग्री भी गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। डिग्री के साथ साइड में ऐसे इसे अपलोड करने वाली तारीख भी लिखी है, 9 मई 2016। साथ में गुजरात यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि इसमें उनके एमए पार्ट वन की मार्कशीट दिख रही है और हमें एमए पार्ट टू की मार्कशीट भी दिख रही है। मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, पीएम मोदी को कितने नंबर आए थे यह भी है। और आप में से जो लोग वेबसाइट पर नहीं जाएंगे
कल को डिग्री देखने बाद कहेंगे हमको क्या पता पास हुए थे कि नहीं हुए थे। उनको जो मार्कशीट अपलोडेड है वो भी बता देता हूं, पीएम मोदी के मार्क्स कितने आए थे, ये सुन लीजिए, ये मार्कशीट भी पड़ी हुई है गुजरात यूनिवर्सिटी में, एमए पार्ट वन में पीएम मोदी को 400 में 237 नंबर आए थे, 400 में 237 नंबर, और एमए पार्ट टू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 में 262 नंबर आए। ये पड़ा हुआ है भाई, मार्कशीट पड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यानी कुल जो मार्क्स थे उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 499 थे 800 में, यानी करीब करीब 62.3% मार्क्स आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एमए के अंदर। सब कुछ है, हमने कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस करके और ये डिग्री नहीं निकाली है, एकदम पड़ी हुई है, कोई भी देख ले। लेकिन केजरीवाल जी पता नहीं कौन सी डिग्री ढूंढ रहे हैं। यहां यह भी समझना जरूरी है कि साल 2014 में अरविंद केजरीवाल वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, याद है ना, 2014 में अरविंद केजरीवाल वाराणसी से चुनाव लड़े थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं उन्हें यह बात अच्छी तरह पता होती है कि चुनाव लड़ने से पहले आपको हलफनामा देना पड़ता है, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना पड़ता है, साथ में उससे जुड़े सर्टिफिकेट भी बताने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हलफनामा जो दिया 2014 के चुनाव में, यह हलफनामे की कॉपी दिखा रहा हूं, उसमें कैटेगोरिकली लिखा है कि एमए किया है गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से। अगर अरविंद केजरीवाल को लगता था कि पीएम मोदी ने झूठ बोला तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते, पीएम की सदस्यता ही चली जाती, वो चुनाव ही नहीं लड़ पाते, तब क्यों नहीं बोले कि गलत जानकारी भरी है, ये अनपढ़ पीएम है, या तब तो पीएम नहीं बने थे, बोलते अनपढ़ हैं, गलत भर दिए हैं, बोलना चाहिए था, तब तो नहीं बोले, तब तो आप चुनाव लड़ लिए हार भी गए। अभी भी केस कर दीजिए कि गलत जानकारी दी है इन्होंने एफिडेविट में। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी में आरटीआई डालकर पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मांगी। जब ये सब जानकारियां पब्लिक डोमेन में पहले से ही हैं, तो फिर क्यों इस मामले को कानूनी प्रक्रिया में उलझाया जा रहा था। इसलिए इस केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाया और कहा कि केजरीवाल को 25,000 रुपए का जुर्माना 4 हफ्ते के अंदर गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को देना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक तो 2016 वगैरह के आसपास पीएम मोदी अनपढ़ हैं, डिग्री कहां है करते थे, अब अचानक फिर से डिग्री वाले मोड में आ गए। इसकी वजह क्या है, क्यों सब कुछ सामने होने के बावजूद पीएम मोदी को अनपढ़ बताने पर तुले हैं केजरीवाल, उसका डर क्या है, कुछ अंदर चल रहा है क्या, आपको यह समझना चाहिए। आज दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी और जमानत अर्जी को खारिज करते हुए बड़ी बात कह दी। दिल्ली की अदालत ने कहा कि पहली नजर में सिसोदिया आपराधिक साजिश के सूत्रधार दिखते हैं। कोर्ट ने पत्नी की बीमारी की दलील को यह कहते हुए भी मानने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता ने यह बीमारी 20 साल पुरानी होने का दावा किया है। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए पत्नी की 20 साल पुरानी मानसिक हालत की दलील दी थी, लेकिन कोर्ट में इलाज के लिए 2022-23 के दस्तावेज दिखाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसमें भी कहीं ऐसी गंभीर हालत नहीं है जिसके लिए आरोपी को जमानत दे दी जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मोबाइल फोन तोड़े, गायब किए और कैबिनेट नोट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी, जिससे पता चलता है कि अगर जमानत दी गई तो हो सकता है कि आरोपी गवाहों को डराए, धमकाए और सबूत भी नष्ट करे। तो अरविंद केजरीवाल जी के सो कॉल्ड भगत सिंह, उनके बारे में आज कोर्ट ने ऐसी ऐसी टिप्पणियां की और इसीलिए कई जानकारों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल, उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड यानी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, इनकी गिरफ्तारी के बाद से जो सवालों की बौछार उन पर हो रही है, जो उनकी छवि डैमेज हुई है, उस पर से ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी की डिग्री अनपढ़ पीएम कर रहे हैं। जबकि आजकल तो लोग मोबाइल पे बिना पढ़े लिखे भी सर्च कर लेते हैं और ये सब तो सबको मिल जाएगा, ऑनलाइन है भाई,
नहीं तो कोई चाहे तो केजरीवाल जी को पाठशाला के आज वीडियो भेज दे।